कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। आज आईएमए जबलपुर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस विषय पर बताऊं, क्योंकि आज है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ठीक है, विश्व वैक्सीनेशन डे इसको कह सकते हैं, विश्व टीकाकरण दिवस। तो आज मैं आपको वैक्सीन के विषय में जानकारी दे रहा हूं, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए कि वैक्सीन क्या होते हैं, कि कौन कौन से बच्चों को लगवाने और बड़ों को कौन से लगवा सकते हैं आप। तो देखिए, वैक्सीन जो है आप हमें, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा देते हैं और जन्म से लगना शुरू हो जाते हैं। जन्म के दिन जो है आजकल पोलियो ड्रॉप, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, और ये सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं और कौन से वैक्सीन आपको बाहर प्राइवेट से लगवाने पड़ सकते हैं। तो पहला वैक्सीन जो है बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ये सरकारी हॉस्पिटल में भी लग सकता है और प्राइवेट में भी लग सकता है, और पोलियो ड्रॉप। फिर इसके बाद बच्चा जब 1.5 हफ्ते का या 45 डेज का हो जाएगा, तो पिन पॉइंट 45 डेज नहीं इंपॉर्टेंट होता, आप 1 हफ्ता बाद में भी कर सकते हैं, बट सहूलियत के लिए ऐसा किया जाता है कि 45 डेज का यदि बच्चा हो गया है तो आप उसको इस तरह का वैक्सीनेशन कार्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का वैक्सीनेशन कार्ड दे दिया जाएगा ये, और आप वैक्सीनेशन कार्ड में आपके डॉक्टर्स या सिस्टर्स एंट्री करते जाएंगे। प्राइवेट में पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसे लगाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स में नर्सेस लगाती हैं और उस ग्राफ को और चार्ट को भरती हैं। तो अब बच्चा 45 दिन का जब हो गया, तो 45 दिन में सरकारी सिस्टम में लग जाता है पेंटावेलेंट। ठीक है, जो कि डीपीटी, जिसमें डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस से सुरक्षा देता है, हेपेटाइटिस बी, हिब नाम का एक बैक्टीरिया होता है, हिब मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क ज्वर, ओटाइटिस मीडिया, कान का एक इन्फेक्शन होता है, और गले का एक इन्फेक्शन एपिग्लोटाइटिस से सुरक्षा देता है। इसके अतिरिक्त इंजेक्शन पोलियो और इंजेक्शन निमोनिया, निमोनिया का इंजेक्शन जो होता है वो भी आजकल गवर्नमेंट सिस्टम में मिलने लगा। पहले ये सिर्फ प्राइवेट में लगता था। निमोनिया का इंजेक्शन काफी महंगा है, 3800 रुपए का आता है प्राइवेट में, जो कि अब सरकारी सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगा है, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये 6 हफ्ते पर लगेगा, फिर 10 हफ्ते पर लगेगा सेम वैक्सीन, और इसके बाद 14 वीक्स पर लगेगा। ठीक है, फिर से रिवाइज कर दूं, पेंटावेलेंट वैक्सीन, इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन। कब कब? 6 हफ्ते की उम्र, 10 हफ्ते की उम्र और 14 हफ्ते की उम्र। इसके बाद आता है 6 महीना। 6 महीने पर आप फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि स्वाइन फ्लू से भी सुरक्षा देता है। ये 2 डोज लगती है 1 महीने के अंतराल में, और फ्लू वैक्सीन लेकिन प्राइवेट सेटअप में ही मिलता है, लगभग लगभग 700, 800, 900 रुपए के अराउंड इसकी कीमत होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये गवर्नमेंट में नहीं होता है फ्लू वैक्सीन। फिर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स की एज पर आएगा मीजल्स वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट में मिलता है, जबकि प्राइवेट सेटअप में आप एमएमआर लगवा सकते हैं, जिसमें मम्स भी इंक्लूडेड होता है। इसकी कॉस्ट अराउंड, 2-3 ब्रांड्स आते हैं, समझ लीजिए 200 से लेके 500 रुपए तक की इसकी कॉस्ट होती है। बेहद अच्छा वैक्सीन है एमएमआर वैक्सीन प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में भी जो एमआर वैक्सीन है, ये लाइफ लॉन्ग सुरक्षा देता है एक ही डोज लगाने से, लेकिन हालांकि इसकी सेकेंड डोज भी रिकमेंडेड है बाद में। तो 9 मंथ्स का बच्चा हो गया तो इसमें एमएमआर वैक्सीन देंगे। अब 1 साल का बच्चा हो रहा है तो 1 साल का जो बर्थडे हो गया, उसका बर्थडे अच्छे से मनाने दीजिए, उसी दिन प्रिक मत कराइए। इसके बाद आप लगवा सकते हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन पानी जनित जो पीलिया होता है, जो बहुत कॉमन होता है, उससे सुरक्षा देता है और लाइफ लॉन्ग सुरक्षा देता है। इसके 2 तरह के ब्रांड्स आते हैं, एक जो किल्ड वन है, उसको एक महीने के अंतराल में 2 डोज लगानी होती है, 6 महीने के अंतराल में 2 डोज लगानी होती है, जबकि जो लाइव वैक्सीन है उसकी 1 ही डोज पर्याप्त हो सकती है, और इसकी कॉस्ट लगभग लगभग 1500, 1600, 1400 के अराउंड होती है, और ये सिर्फ प्राइवेट में मिलता है, सरकारी सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है चिकन पॉक्स वैक्सीन। चिकन पॉक्स वैक्सीन अराउंड 15 मंथ्स की एज पर लगवाएंगे, प्राइवेट में मिल जाता है, और ये इसकी कीमत लगभग 1800 रुपए के करीब होती है। फिर आता है एमएमआर वैक्सीन। अगेन चिकन पॉक्स और एमएमआर का एक कॉम्बिनेशन भी आता है, वो भी लगवाया जा सकता है यदि आप प्रिक की संख्या कम करना चाहते हैं तो, ये भी लेकिन सरकारी सिस्टम में नहीं इंक्लूडेड है। फिर 18 महीने पर अगेन सरकारी सिस्टम में ये सारे वैक्सीन मिल जाएंगे 18 महीने वाले, जो कि वही हैं, इंजेक्शन पोलियो, पेंटावेलेंट, पोलियो ड्रॉप और न्यूमोकोकल।
ठीक है, ये इंजेक्शन सरकारी सिस्टम में भी मिल जाएंगे और प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं। प्राइवेट में लगभग लगभग इसकी अलग अलग तरह की ब्रांड्स आते हैं, लगभग 3200-3300 रुपए के अराउंड की कॉस्ट में ये वैक्सीन लग सकते हैं, इंजेक्शन पोलियो को छोड़कर। इंजेक्शन पोलियो वाला जो कॉम्बिनेशन है पेनलेस वाला, वो लगभग 5000 रुपए तक का पड़ता है, ये सारी चीजें मिलाकर, ठीक है, ये जो वैक्सीन बताए। अब आती है बात, बच्चा 2 साल का हो गया तो 2 साल की एज में टाइफाइड वैक्सीन लगेगा। एक और बात बता दूं, टाइफाइड का जो नया वैक्सीन है वो 9 महीने के से लेकर 12 महीने की एज पर भी लगाया जा सकता है, जिसको टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं। तो पहले सिर्फ 2 साल की एज के लिए ही टाइफाइड उपलब्ध था और ये वैक्सीन काफी अच्छा है, 90% तक प्रोटेक्शन देता है, 5 साल तक सुरक्षा देता है टाइफाइड से, और इसकी कीमत लगभग 1800 रुपए के तकरीबन होती है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, इसके बाद सीधे 5 ईयर्स की एज पर लगेंगे। 5 ईयर्स पर अगेन आप टाइफाइड का एक बूस्टर लगवा लेंगे और डीपीटी का पेनलेस बूस्टर भी लगवा सकते हैं, जिस और पेनफुल वाला भी लगवा सकते हैं। पेनफुल वाला जो होता है बहुत सस्ता होता है, लेकिन ये प्राइवेट में नहीं मिलता, सिर्फ सरकारी में मिलता है, और पोलियो ड्रॉप तो दिया ही जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ नए वैक्सीन आए हैं, जैसे आपने देखा था गोरखपुर में जो बच्चों की डेथ हुई थी, जापानीज एनकेफ्लाइटिस नाम, इसके कुछ केसेस एमपी में भी देखने मिले हैं। तो जापानीज एनकेफ्लाइटिस का जो नया वैक्सीन आया है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और 1 ईयर की एज के बाद दिया जा सकता है। इसकी कीमत एमआरपी लगभग 1250 रुपए के तकरीबन है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। एक और वैक्सीन छूट गया, वो है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ये सबसे महंगा वैक्सीन है और मेनिनजाइटिस से प्रोटेक्ट करता है, लगभग 5000 रुपए इसकी कॉस्ट होती है और 2 साल की एज के बाद लगवाया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी वैक्सीन हैं जो कि कुछ खास बीमारियों जैसे सिकल सेल वगैरह में दिए जाते हैं। अब आज बता दूं बात की क्या वयस्क वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो यस, वयस्क इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है, टाइफाइड वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगवा सकते हैं, चिकन पॉक्स वैक्सीन लगा सकते हैं इनमें से, ठीक है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा सकते हैं। न्यूमोकोकल खासकर जो लोग डायबिटिक हैं या वृद्ध हैं उनको जरूर लगवा के रखना चाहिए, या आस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उनको न्यूमोकोकल लगवा के रखना चाहिए। प्राइवेट में इनकी कीमत 3800 रुपए तकरीबन है, जो उसका जो महंगा ब्रांड है, और गवर्नमेंट में ये वैक्सीन नहीं मिलते हैं। तो लोग, मैंने देखा बहुत बार टाइफाइड से पीड़ित हो रहे होते हैं, क्यों नहीं टाइफाइड वैक्सीन लगवा लेते हैं, जो लोग बार बार आप बोलते हैं कि टाइफाइड हो रहा या इस तरह के, तो इस तरह के वैक्सीन से आप सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आगे चल के डेंगू का वैक्सीन आ जाएगा, क्योंकि जो कि कुछ देशों में दिया जा रहा है, भारत में अभी ये नहीं है, क्योंकि इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको नए रिफॉर्म वैक्सीन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी मेरे दोस्तों को पसंद आएगी और आपको हेल्प करेगी बेहतर निर्णय लेने में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ जन, समृद्ध राष्ट्र।